नमस्ते साधकों, मेरा योगा मास्टर चैनल को सभी साधकों को स्वागत करता हूँ। मैं आज हिंदी में एक वीडियो बना रहा हूँ, किसके लिए वो हिंदी लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं साधक, उसके अंकल के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मदर लैंग्वेज कन्नड़ा है, थोड़ा हिंदी बात करने में थोड़ा तकलीफ होता है, आप एडजस्ट करो थोड़ा। मेरा कुंडलिनी राजयोग कैसा करना, उसका मेथड क्या है, कैसा प्राणायाम करना मैं बता रहा हूँ। पहले यह प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राणायाम क्या होता है, पहले प्राण शक्ति का कंट्रोल करना यह प्राणायाम है। प्राण शक्ति का कंट्रोल करना यह प्राणायाम है। इसलिए क्या होता है, चित्त शुद्धि होता है, चित्त शुद्धि होता है, मनस एकाग्रता आता है, इसलिए प्राणायाम करता है। इसलिए प्राणायाम करना, प्राणायाम का मतलब है चित्त का शुद्ध करना, माइंड को कंट्रोल करना, एकाग्रता करना, यही काम करता है प्राणायाम। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कुंडलिनी राजयोग किसको पसंद है करने के लिए, वो थोड़ा कंडीशन बता रहा हूँ मैं। पहले वो श्वासकोश आरोग्य ठीक रहना, पहले आरोग्य ठीक रहना, बाद में 40 साल का अंदर रहना, ज्यादा मत रहना, यंग रहना, तरवा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके पहले आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, बंद और जलंध्र बंद, कपालभाति, ऐसा प्राणायाम करें तो बहुत अच्छा होता है। इसमें तरवा 6 महीने के ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कंडीशन है। 6 महीने एक ही प्लेस में बैठना, एक ही प्लेस में बैठना, एक ही दिक में बैठना। सूर्य का सूर्य किधर होता है ना, उदय, उस तरफ हम बैठ के प्राणायाम करना। बाद में ऐसा मोबाइल लेकर स्टॉप वॉच एक ऑप्शन है, स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच ऑप्शन रख के प्राणायाम करना। बाद में इस प्राणायाम सुबह 4 बजे उठकर 4 बजे से 5 बजे से करना, 24 टाइम्स, मैं बता गया प्राणायाम 24 टाइम करना। तरवाता बाद में नॉन वेज मत खाना, शाम को रोज शाम को हम खाना खाने के टाइम में एक तुत्तु थोड़ा कम खाना। तरवा बाद में आप यमा नियम का पालन करना, वो अष्टांग योग में पतंजलि योग ऋषि बता रहे ना, यमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्टांग योग अहिंसा। ये यमा नियम क्या होता है, यमा में अहिंसा, किसी प्राणी का हिंसा ना करना, सत्य सत्य बोलना, सत्य बोलना, अस्तेय किसी का वस्तु चोर नहीं करना, ब्रह्मचर्य आपका इंद्रिय का निग्रह करना। बाद में अपरिग्रह, दूसरा बोलो दान दिए तो आप मत स्वीकार करना, यही यमा है। नियम में पांच होता है, पहले शौच, वो शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना, अंदर मनुष्य को शुद्ध रखना। बाद में संतोष और तृप्ति, कभी भी संतोष भी रहना। बाद में 3 तपस्व, सदा एकाग्र रह के तपस करना। बाद में स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब आपका अच्छे अच्छे बुक पढ़ना, रामायण महाभारत उपनिषद गुरु ग्रंथ, अच्छे अच्छे बुक पढ़ना, अच्छे अच्छे यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियो देखना, अच्छे अच्छे मूवी देखना, अच्छे सुनना, अच्छे देखना, अच्छे बात करना, यही स्वाध्याय होता है। ईश्वरी प्राणदान, वो भगवान में शरण जाना, यही यमा नियम का रोज पालन करना। जीवन भर आप यमा नियम का पालन करना। अभी मैं योगा सिखाना जा रहा हूँ, कैसा करना योग। पहले आप हठ योग नहीं करे तो बंद, जलाधर बंद, मूलांध्र बंद, अनुलोम विलोम नहीं करे तो पहले आप स्टॉपवॉच रख के देखो, स्टॉपवॉच रख के अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम कैसे करना, ये स्टॉपवॉच है, 10 सेकेंड निदान से अंदर लेना, देखो देखो
दस सेकंड अंदर लेना, दस सेकंड निदान से छोड़ना, निदान से अंदर लेना, निदान से छोड़ना, यही अनिलोम विलोम होता है। इसको 24 टाइम करना, 24 टाइम। इसलिए देखो ये पत्थर, छोटा वाला पत्थर, एक दो तीन चार पाँच छः, पाँच छः छः पत्थर इधर रखना, बाद में एक प्राणायाम करके बाद में इधर से इधर रखना, मन में काउंट नहीं करना, बाद में फिर स्टार्ट करना। बीस सेकेंड, दस सेकेंड अंदर लेना, दस सेकेंड बाहर छोड़ना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम कितना दिन करना, दस से पंद्रह दिन, बीस दिन करना पहले। बाद में मैं आंतरिक कुंभक बता रहा हूँ। आंतरिक कुंभक करने के टाइम में अंदर मनी मन गायत्री मंत्र का जाप करना, मनी मन गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम ओम भुवस्वः तत्सवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। मनी मन जाप करना, फुल स्पीड नहीं करना, फुल धीरे से नहीं करना, मीडियम तरह से अब प्राणायाम करना, जाप करना अंदर कुंभ का टाइम में। अभी ये पत्थर इधर रख के अभी पश्चिम स्टेज फोर सेकेंड अंदर लेना, 16 सेकेंड अंदर रखना कुंभक करना, बार में 8 सेकेंड बाहर छोड़ना। ये आपको सिखा रहा हूं। पहले देखो ऐसा करना, पहले 4 सेकेंड निदान से अंदर लेना, 16 सेकेंड अंदर कुंभक करना, बाद में 8 सेकेंड निदान से छोड़ना, बाद में ये पत्थर इधर रखना, अंदर से वो काउंट नहीं करना। इधर 6 आया तो 6 होता, इधर 6 आया तो 12 होता, इधर 6 आया तो फिर इधर आया तो 24 होता। ऐसा अब वो सिंबल के लिए 4 पत्थर रखना, 6 पत्थर रखना, 6 स्मॉल पत्थर रखना, कुछ भी रखो उसमें वो काउंट मन से आप काउंट नहीं करना, अंदर आप गायत्री मंत्र का जाप करना। बाद में इधर इस साइड भी मैं मोबाइल रख के इस साइड लेना अंदर, ऐसा छोड़ना, थोड़ा इधर टाइम देना, एक दो चार मिनट 4 सेकेंड टाइम देना, नहीं तो वो इधर आता है वो उसर, इसलिए बाद में फिर इधर स्टार्ट करना। ले आप फुल टोटल शरीर मना और परिर टोटल शरीर का शक्ति और मन का शक्ति लगाकर प्राणायाम करना। आप प्राणायाम करने के टाइम में आपका मन इधर उधर नहीं घूमना, इधर भी रहना, प्राणायाम टाइम करने के टाइम में आपका मन इधर ही रहना, ये बहुत अच्छा होता है आपका प्राणायाम। आप अंदर से अंदर कुंभक करने के टाइम में आप गायत्री मंत्र का जाप करना, यही कुंडलिनी राजयोग करने का तरीका है। बाद में आप कौन सा बुक पढ़ना, ज्ञान सिंधु, देवी पारायण ग्रंथ, भगवद गीता, उपनिषद, किसी की गुरु ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पतंजलि योग सूत्र, विवेकानंद लिखे गए राजयोग,
पुराण देवी स्तुति ललित सहस्रनामा विष्णु सहस्रनामा भजन्स एंड कबीर दोहेस कौन सा भी आप रोज पाठ करो वो पढ़ो अच्छे होता। आप प्राणायाम करे तो 10-20 दिन बाद में आप वो 4-16-8 सिद्धि होने के बाद आप हमको फोन करे तो हम नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। टोटली इसमें 5 स्टेप है। पहला स्टेप हमें बता दिया, आप ये सिद्धि होने के बाद हमको फोन करके पूछे तो हम आपको दूसरा स्टेप देंगे। वो पूर्ण होने के बाद फिर दूसरा स्टेप हम दूंगा। बाद में मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाथ विशुद्ध आज्ञा सहस्त्र एक एक चक्र खोलता हुआ आपको नजर आएगा। बाद में आपके शरीर में थोड़ा हीट होता है पहले, बाद में थोड़ा वो गाड़ी में एयर में ऐसा बर्ड ऐसा फीलिंग होता है आपके। एक एक चक्र में एक एक स्टेप में एक एक अनुभव आपको होता रहता है। आप हमारा साथ आपका क्या क्या हो रहा है हमारा साथ शेयर कर सकते हैं आपका अनुभव। इसके मेरा वीडियो स्टॉप करता हूँ। आप किसी भी आपको संदेह है तो हमारा फोन नंबर पर फोन करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।